हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके से पानी के नल का जो है वो टपकता रहता है, तो आपको रात को आपने नोटिस किया होगा बहुत ही इरिटेटिंग वॉइस लगती है इस तरीके के पानी के गिरते रहने की। तो अगर आपको जो है इस तरीके की जो है प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना ईजी है। मात्र मुश्किल से आपके 2 या 5 रुपये जो है वो लगेंगे इसको ठीक करने में, और थोड़ी सी मेहनत तो आप इस प्रॉब्लम को खुद भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ इस काम को करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रेंच चाहिए होगा इस तरीके का, किसी और तरीके का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है स्नैप एंड ग्रिप इस टाइप का है। एक छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा जिससे हम टैप की कैप को खोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। और इस तरीके की कुछ ना हमें जो है वॉशर जो है वो एक चाहिए। तो मैंने जो है वॉशर जो है काफ़ी बल्क में ले लिए हैं। ये मेरे को जो बल्क में लेने की वजह से मैंने 20 पीस लिए थे, तो मेरे को लगभग ये 2 रुपये की जो है वो एक पड़ी है। तो आप पास से देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होती है। तो आप जो है कुछ अलग डिज़ाइन में भी मिल सकती है, ब्लैक कलर में भी मिल सकती है, कुछ रबड़ की भी बनी मिल सकती है। जैसी मर्जी उस शॉपकीपर के पास अवेलेबल होगी, हार्डवेयर की दुकान में आपको मिल जाएगी। मगर अगर आप जो है उसको करेक्टली समझाएंगे कि आपको जो है टैप की जो है वॉशर बदलनी है जो अंदर स्पिंडल के अंदर लगी होती है, तो वो समझ जाएगा और आपको कुछ इस तरीके की वॉशर दे देगा। तो जैसे अगर आप 1-2 पीस ही मांगेंगे तो हो सकता है आपको 5 रुपये का एक पीस दे या 10 रुपये का दे। मगर बल्क में ले और सही दुकान से लें तो आपको जो है बहुत ही सस्ती पड़ती है। मेरे को तो 2 रुपये की एक मिली है। अब जल्दी से आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो है टैप की इस वॉशर को अंदर स्पिंडल के अंदर कैसे खुद चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं छत से अपने जो वाटर टैंक की जो मेन सप्लाई है वहां से इसे ऑफ करने वाला हूं, ताकि फिर मैं इसे इजीली आपको दिखा सकूं। अब सबसे पहले करना क्या होता है, इसके यहाँ पे जो है एक स्क्रू लगा होता है, उसे खोलना होता है। तो ये असल में कैप है। अगर आपको इतने सालों से नहीं पता है कि यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है इसके अंदर हिडन, तो आज आपको मैं बता देता हूँ। आपको ऐसे पतला सा स्क्रू ड्राइवर लेना है और इस कैप को आप ऐसे करके उठाएंगे तो ये इसके नीचे यहाँ पे एक स्क्रू लगा है। तो हमें इस स्क्रू को किसी भी आप स्क्रू ड्राइवर से इसे ऐसे करके खोल देंगे, बहुत इजीली खुल जाता है। अगर आपका जंग वगैरह खा गया है थोड़ा ऐसा है तो हो सकता है फिर आपको खोलने में काफी डिफिकल्टी हो, मगर मेरे केस में आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू है। अगर जंग खा गया है तो फिर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा आप खुद से छेड़ें, क्योंकि आप फिर नहीं कर पाएंगे उसे ओपन नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर आप किसी प्लम्बर से ही करवाएं, मगर अगर इजिली खुल जाता है तो आप ऐसे इसे खोल लें। अब उसके बाद करना क्या है कि हमें इस कैप ये जो है पूरा इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे खोलना है। तो इसको खोलने के लिए हम इसे नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ हिट करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा इसे दोनों साइड से हिट करना है और उसके बाद इसे थोड़ा हिलाएंगे तो ऐसे करके खुल जाएगा। तो आपके केस में हो सकता है फिर अगेन थोड़ा जंग वगैरह लगा हो तो उसमें उतना एफर्ट लगे, मगर आप कभी भी इसे ऊपर से या फिर हथौड़ी से ऐसे हिट ना करें। आप देख के समझ गए होंगे यहाँ पे जो है पेच लगा था, तो आप इसीलिए इसे नीचे से ऐसे हिट करेंगे हल्का हल्का, बहुत हल्के से करना है, वरना होगा क्या यहाँ पे जॉइंट से अंदर से आपकी जो है पाइप वगैरह टूट सकती है, आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ओवर स्मार्ट ना बने, आराम से जैसे मैंने आपको बताया आप हल्का हल्का हिट करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन अभी आप देख रहे हैं तांबे का जो बना हुआ है इसे बोलते हैं स्पिंडल। ये आपको मार्केट में मिल जाता है इजीली, अगर आपको पूरा ही रिप्लेस करना हो तो। उस केस में आपको करना ये होता है, आप इसे खोल के शॉपकीपर किसी हार्डवेयर दुकानदार के पास ले जाके अगर आप दिखाएंगे तो आपको सेम स्पिंडल डिजाइन का दे देगा, वो भी आप पूरा बदल के लगा सकते हैं। मेरे केस में स्पिंडल नहीं है, सिर्फ अंदर की जो वॉशर वाली रबड़ है वही खराब हुई है तो वही चेंज करनी है। तो उसको खोलने के लिए करना क्या है, आपको अगेन जो है राइट हैंड थंब रूल लगाना है। मतलब अगर ऐसे, मतलब अगर आप इसे खोलना है थंब की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, हमें इसे हटाना है तो हमें इस तरफ को इसे घुमाना होता है, तो ये कहलाता है राइट हैंड थंब रूल। अगर इसे बाद में बंद करना होगा तो हम रिवर्स लगाएंगे, मतलब नीचे अंगूठा नीचे, मतलब बंद करना है तो हमें इसे उंगलियों के अंदर की तरफ घुमाना है। इसको ऐसे करके लगाते हैं और इसको ऐसे घुमाना चालू कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो खुल जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आप क्या इसे प्लास वगैरह की मदद से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको इस काम के लिए रेंची चाहिए होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वाली जो भी करंट वाली जो इसकी रबड़ अंदर लगी है ये खराब हो गई है, पिचक चुकी है, यहाँ से देखिए क्रैक भी आ चुका है, तो इसीलिए जो है ये अपना काम अच्छे से अब नहीं कर पा रही है। तो इसी वाली रबड़ को जो है यहाँ जो आप देख सकते हैं पूरी तरह क्रैक है, इसी वाली जो रबड़ है इसी को मेरे को अब रिप्लेस करना है। अब इसको बदलने के लिए यहाँ पे जो है मैंने इसको जो है प्लास की मदद से जो है इसे खोल लिया है, तो मैंने थोड़ा लूज कर लिया था, उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हट जाता है और ये वाला पुराना रबड़ रहा, ये वाला नया है। तो इस वाले नए वॉशर वाले को रबड़ को मैं यहाँ पे बिठा दूंगा, बहुत ईजी आप समझ गए होंगे, सिर्फ इसको ऐसे दबा देना है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके दब के बैठ गया, और उसके बाद वापस इसको इसकी पोजिशन में हमेशा लॉक करने के लिए इस पेज को वापस यहाँ पे बंद कर देंगे। अब बस बहुत इजी स्टेप है, सब कुछ हमें रिवर्स में करना है। तो जैसे यहाँ पे वॉशर बदली हुई थी इसे वापिस ऐसे रख देना है,
तो आप इसे ओवर नहीं कसेंगे, जितने में बस ये टाइट हो जाए उतना ही कसना है, उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ पे आके हो गया है, बस इतना ही। बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे और उसे घुमाते रहेंगे जबरदस्ती, तो फिर अंदर जाके जोड़ पे नुकसान हो जाएगा, अंदर से क्रैक हो जाएगी। उसके बाद वापिस हम इसकी कैप लगा देंगे और ये नलका रेडी है। तो मैंने छत से सप्लाई इसकी छोड़ दी है, नलका जो है पानी वापिस आ गया है। अब इसे बंद करके देखते हैं पूरा दोबारा, तो आप देखेंगे अब पूरा दोबारा वापस बंद हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप घर के जो नलके हैं उसे खुद भी, इस तरीके की प्रॉब्लम को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है। होप आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।